नमस्कार, SM न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्यों बनाते हैं हम लोग शरारत, ये विषय बहुत अच्छा है। कम से कम शरारत के बहाने हम लोग अपने माँ बाप को तो याद कर लेते हैं, चाहे कुछ पल और कुछ दिनों के लिए ही सही। ये विषय बोलने से पहले मुझे कुमार विश्वास की वो गीत याद आ रहा है, कभी प्यासे को पानी पिलाया ही नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। और उसकी आगे की लाइनों में है, एक भी एक लाइन आती है माँ बाप के लिए, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, आज पूजा को करने से क्या फ़ायदा। तो कहाँ हम लोग शरारत मनाते हैं, जब साक्षात हमारे माता पिता हमारे सामने होते हैं तब हम उन्हें एक पल का टाइम भी नहीं दे पाते, और माता पिता के जाने के बाद हम उनके श्राद्धों के ऊपर ढेरों सारा पैसा लगाते हैं। एक कथ्य मुझे और याद आ गया है, मैं अपने मित्र के यहाँ पर गया था, और ये हकीकत है, कोई काल्पनिक नहीं है। जैसे मैं अपने दुकान के शोरूम पे पहुँचा, अपने दोस्त की दुकान के शोरूम पे पहुँचा, तो शोरूम पे पहुँचने के बाद उसके पड़ोस में से बड़ी अच्छी सी आवाज़ आ रही थी, बड़ी लड़ाई झगड़े की। तो मैं बड़ा चिंतित होकर मैंने उससे पूछा, मैं कह रही कहाँ का शोर है, क्यों ऐसा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या हो गया ऐसा। उसने बड़े प्यार से बताया, कहता है मेरा दोस्त है वो वैष्णो देवी जाने के लिए अपनी माँ को मार रहा है कि मुझे पैसे दो, मुझे वैष्णो देवी जाना है। वो कथ्य मुझे आज तक याद है, जो मेरे दिल और दिमाग पे इस तरह कदर छा गया कि क्या वो माँ खुश होगी जिसने जन्म दिया है और दर्शन करने जा रहे हैं उस माँ के, तो मुझे नहीं लगता कि वो माँ भी खुश होती होगी। वही शरारतों का है कि हम लोग शरारत तो बनाते हैं, कहते हैं कुत्ते को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ, गाय को खिलाओ, चिड़ियों को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ। आज आप सबको खिला रहे हैं, क्या वाकई आपने अपने माँ बाप को उस वक्त खिलाया था? जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी है और करते हैं, मैं उनको साक्षात प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बहुत बखूबी से बहुत अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा करके उनका आशीर्वाद लिया है। और कहते हैं कि अपने माँ बापों को खुश करने के लिए शरारत बनाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है, शरारत बिल्कुल बनाने चाहिए। एक तरफ हमारे समाज में हमारे देश में ये कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता है, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग कहीं ना कहीं जन्म ले चुके होंगे, और दूसरी तरफ हम लोग उन्हीं पुनर्जन्म वाले अपने माता पिता का शरारत बना रहे होते हैं। क्या सत्य है इसका पता नहीं है, फिर भी हम लोग शरारत बना रहे होते हैं। कहते हैं अपने मातृ पिता को खुश करने के लिए, या शरारत को आपके माता पिता खुश रहें उनके लिए वस्त्र दान करें, किसी पंडित जी को खिलाएं, या फिर किसी पंडित जी को एक गौ दान करें ताकि आपके पितृ हमेशा दूध पी सकें, उनको कपड़े दान करें, वस्त्र दान करें। सिर्फ अपने तरीके को हम लोग बदल लें तो मुझे लगता है कि दान का जो संकल्प है वो सही जगह पे जा पाएगा। तो सिर्फ दान की परिभाषा को बदलें, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आप खिलाएंगे तो वहीं से दुआएँ आती हैं। बहुत अच्छी बात है, शरारत बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन उसका तरीका अगर थोड़ा सा हम लोग बदल दें तो शायद अच्छा होगा। ये मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच आपके साथ मैच ना करे, और अगर समर्थन हो आपकी सोच मेरे साथ मैच करती हो या मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि ये वीडियो ये मैसेज सब तक पहुँच सके। अगर हम लोग शरारत बनाते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शरारत हम लोग मनाते मनाते उस भूखे को रोटी खिला दें जिसकी आत्मा तृप्त हो जाए, और उसकी अंदर आत्मा से आप लोगों के लिए आवाज़ आए कि खुश रहो। और कहीं उस ज़रूरतमंद बच्चों को हम लोग पढ़ाई दे सकें, शिक्षित कर सकें, एक बच्चे को भी पढ़ने का हम लोग ठेका ले लें कि इस बच्चे को प्रतिज्ञा कर लें, इस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा पढ़ाऊँगी, तो मुझे लगता है हमारा देश शिक्षित हो सकता है, पूरा देश। और कहीं ना कहीं हमारे उन माता पिताओं को भी कहीं ना कहीं खुशी होगी कि एक बच्चे को शिक्षित बनाकर बहुत अच्छा रहेगा, कहीं उस ज़रूरतमंद गरीब को वस्त्र दान कर दें जहाँ पे ज़रूरत है, बहुत सारे अनाथालय हैं, अपने हाथों से जाके दान करके आएँ।
तो सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और श्राद्ध बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं तो इतना ही बोलूँगा दोस्तों, अपने माता पिता को कुछ पल का टाइम होता है उनको याद ज़रूर करें, और श्राद्ध बनाने का सिर्फ थोड़ा सा तरीके को बदलें, और जिनके माता पिता हैं वो श्राद्ध से पहले ही सेवा कर लें, क्योंकि बोलते हैं ना शायद कल हो ना हो। दोस्तों इस श्राद्ध के ऊपर मुझे एक किताब की कुछ लाइनें याद आ गई हैं, तो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूं। कबीर जी 9 वर्ष की अवस्था के थे, तो उनके गुरु ने उनको बोला, श्राद्ध का टाइम चल रहा था, कबीर जी को बोला जाओ एक गाय का दूध लेकर आ जाओ, ताज़ा दूध होना चाहिए, श्राद्ध में पितरों को देना है। कबीर जी भी निकल गए। कबीर जी थोड़ी दूर निकले ही थे कि उनको उन्होंने देखा कि एक गाय मरी पड़ी है। लड़कपन में उन्होंने वहाँ पे कुछ घास पड़ी हुई थी, घास को इकट्ठा करा, उसके आगे डाल दिया और बैठ गए। इस वक्त को 2-3, 4-5 घंटे हो गए। कबीर के गुरु को का कबीर के जो गुरु थे वो भी बड़े बेचैन कि अभी तक कबीर आए क्यों नहीं, क्योंकि उनको कबीर को जाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। शाम का टाइम होता जा रहा था, पितरों को पूजा का टाइम था, पितरों की पूजा का टाइम था। कबीर जी को देखने उनके गुरु निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा उन्होंने कबीर एक गाय के पास बैठे हुए हैं। थोड़ा निकट पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि गाय मरी पड़ी है। कबीर को बोला, भाई कबीर तुझे दूध लाने के लिए कहा था और ये क्या तू मरी हुई गाय के पास बैठा हुआ है। कबीर जी ने बड़ी मासूमियत से ही जवाब दिया, गुरु जी ये तो एक दिन पहले ही गाय मरी है, जब ये एक दिन मरी हुई पहले गाय घास नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती, तो हमारे पितर जिनका हम लोग श्राद्ध बनाते हैं वो कहाँ से आके खाएंगे। ये बात उनके दिल को छू गई और उन्होंने अपने श्राद्धों का तरीका बदल दिया। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे और आपके विचार और लोगों तक पहुंच के श्राद्धों के तरीकों को बदल सकें, और उस जो हम अपने माता पिता का श्राद्ध मनाते हैं वो ज़रूरतमंद चीज़ें उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हम भरे हुए पेट पे खाना ना दें, उस ज़रूरतमंद को पढ़ाई शिक्षा रोज़गार कुछ ऐसा कर दें ताकि वो अपने जीवन में परिवर्तन देख सके।